सत्यपाल मलिक ने फिर किया बड़ा खुलासा। उपराष्ट्रपति बनने पर क्या बोले मलिक। राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी दिया बड़ा बयान। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में है। सत्यपाल मलिक और केंद्र सरकार के बीच तकरार से हर कोई वाकिफ है। शनिवार 10 सितंबर को सत्यपाल मलिक राजस्थान के झुंझुनू शहर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें पहले ऐसे संकेत दिए गए थे कि अगर वे केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की भी मलिक ने जमकर तारीफ की। मलिक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि मेरा कहना इसमें ठीक नहीं है, पर मुझे इशारे थे कि आप नहीं बोलोगे तो आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं जो महसूस करता हूं वह जरूर बोलता हूं। यही नहीं, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर मलिक ने बताया कि वह डिजर्विंग उम्मीदवार थे, बनाने ही चाहिए थे। वहीं राहुल और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। नौजवान आदमी हैं, पैदल तो चल रहे हैं, अब तो नेता यह सब काम तो करते ही नहीं है। इस यात्रा से क्या संदेश जाएगा मुझे नहीं पता, यह तो जनता बताएगी कि क्या संदेश गया, लेकिन मुझे यह लगा कि ठीक काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राजपथ सुनने में भी अच्छा लगता था, उच्चारण में ठीक था, कर्तव्य पथ कौन उच्चारण करेगा, लेकिन चलो कर दिया तो उनका भी मंजूर है। किसान आंदोलन क्या दोबारा चालू होगा, इसकी आशंका पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन मैं तो नहीं करने वाला, लेकिन किसानों को करना पड़ेगा जैसे हालात दिख रहे हैं। अगर MSP की बात केंद्र सरकार नहीं मानती है तो फिर लड़ाई होगी, वैसे अभी तो मानने के कोई बहुत आसार नहीं लग रहे। सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन के समय भी किसानों के समर्थन में थे और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मारे जा रहे छापों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना पर मलिक ने कहा कि कुछ छापे BJP वालों पर भी डलवा दें तो यह बात नहीं कही जाएगी। BJP में तो बहुत लोग हैं छापे डलवाने लायक, कुछ छापे अपनों पर भी डलवा दें तो यह बात नहीं उठे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।